दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागिन का श्राप। ये तुलसी कॉमिक वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। नागिन का श्राप। विजयनगर के महाराज रणविजय सिंह बेहद दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन दरबार में द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, प्रजा के कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर से तुरंत दरबार में लाया जाए, जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। हे प्रजाजनों, आपको क्या कष्ट है? महाराज, राज्य में मैं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से एक आदमखोर बाघ बस्ती के कई लोगों की जानें ले चुका है। उस आदमखोर बाघ से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। आप निर्भय होकर अपनी बस्ती में जाइए, कल सूरज छिपने से पहले उस आदमखोर बाघ का खात्मा कर दिया जाएगा। महाराज की जय हो। सेनापति, तुरंत एक सैनिक टुकड़ी उस आदमखोर बाघ के खात्मे के लिए भेजी जाए। हमें कल सूरज छिपने से पहले बाघ के मरने की खबर मिल जानी चाहिए। ठहरिए पिताश्री। सोनाक्षी, तुम? क्या बात है बेटी, क्षमा करिए पिताश्री, मुझे आपके एक अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा फैसला अन्यायपूर्ण? यह तुम क्या कह रही हो बेटी? एक बाघ को मारने के लिए पूरी सैनिक टुकड़ी को भेजा जाना, क्या यह अन्याय नहीं है? लेकिन बेटी, वह आदमखोर आदमखोर होने का मतलब यह नहीं है कि उसके लिए एक पूरी सैनिक टुकड़ी भेजी जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? पिताश्री, उस आदमखोर बाघ को बाघ का वध मैं अकेले करने की आज्ञा चाहती हूँ। राजकुमारी, क्या आपको मेरी शस्त्र विद्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन सोनाक्षी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हें अकेले भेजते हुए दिल घबराता है। मैं विजयनगर के महाराज का दिल इतना कमजोर नहीं समझती थी पिताश्री। सोनाक्षी, पिताश्री, अगर राज के कार्य में मैं आपका कोई सहयोग नहीं दे सकती, तो फिर मेरा महल से बाहर निकलना बंद होना चाहिए। मैं आज के बाद महल से बाहर नहीं निकलूंगी। रोष में राजकुमारी सोनाक्षी अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। ठहरो बेटी, हम तुम्हें उस आदमखोर शेर को मारने की आज्ञा देते हैं। ओ पिताश्री, आप कितने अच्छे हैं। राजकुमारी सोनाक्षी के जाने के बाद सेनापति कुछ चुने हुए सैनिकों को गुप्त रूप से जंगल में राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भेजा जाए, लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन जंगल में राजकुमारी सोनाक्षी सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उस शेर का कुछ अता पता नहीं लग रहा। एक जगह पहुंचकर राजकुमारी ठिठक गई। ओ शेर के पंजों के निशान, मुझे निशानों का पीछा करना चाहिए। दौड़, गुर्र, लगता है उस आदमखोर शेर ने मुझे देख लिया है। महाराज के गुप्त रूप से छिपे सैनिक, शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा है। हमें हमें सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन हमें राजकुमार की उस दशा में ही मदद करनी है जब उनकी जान खतरे में हो। यह महाराज का आदेश है। शेर राजकुमार ये ठीक सामने आ गया। सोनाक्षी ने तीर कमान पर चढ़ा लिया, लेकिन तभी शेर ने छलांग लगाकर राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। गुर्र, शेर के अचानक छलांग लगाने की वजह से सोनाक्षी का निशाना चूक गया। सर, और तभी एक चीख जंगल में गूंज गई। ओह, ओ, यह तो किसी इंसान के चीखने की आवाज है। इस आदमखोर शेर से निपट कर देखती हूँ, यह चीख किसकी थी? राजकुमारी उस आदमखोर शेर से भिड़ गई। कुछ ही देर में राजकुमारी ने शेर का वध कर दिया। अब मुझे उस चीख के विषय में जानना चाहिए। महाराज के छिपे हुए सैनिक गुप्त रूप से राजकुमारी की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। हमें भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलना चाहिए। हाँ, कहीं राजकुमारी किसी और मुसीबत में न फंस जाए। देखो, राजकुमारी उसी दिशा में जा रही है जहां चीखने की आवाज आई थी। राजकुमारी ने दूर से देखा, उसका तीर एक सुंदर युवक के माथे में दसा हुआ था और उसके पास दुल्हन सी नजर आने वाली युवती विलाप कर रही थी। वो जिस समय सोनाक्षी उसके पास पहुंची, तो युवती का दूसरा रूप ही उसके सामने था, जिसने तीर से मेरे पति की हत्या की है, सामने आ।
मैं उसे श्राप दूंगी। ठहरो देवी, ऐसा अनर्थ मत करो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अपराधनी हूँ देवी, लेकिन मुझसे अनजाने में ही यह अपराध हुआ है। तो तू ही है मेरे पति की हत्यारिन। हाँ, मगर मैंने तुम्हारे पति को निशाना नहीं बनाया था। मुझे क्षमा कर दो। तेरे क्षमा मांगने से मेरे पति का जीवन तो वापस नहीं मिल सकता। लेकिन आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे थे? यह जंगल ही हमारा घर है। क्या मैं इच्छाधारी नागिन वसीका हूं और ये मेरे पति इच्छाधारी नाग वासुकी थे। आज नाग पंचमी थी। पिछली नाग पंचमी को हमारी शादी हुई थी, इसलिए हम आज पहले विवाह की पहली सालगिरह मना रहे थे। मानव रूप में हम दोनों नाग नृत्य कर रहे थे कि तुम्हारा तीर आकर मेरे पति के प्राण ले गया। हे इच्छाधारी नागिन, मुझे अनजाने में हुई अपनी इस भूल का बेहद अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? और तुझे? मैं अपने पति की हत्यारिन को कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं। और वैसे भी सारा संसार जानता है कि नागिन अपना इंतकाम अवश्य लेकर रहती है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भी मेरी तरह पति सुख सिर्फ 1 साल तक भोगेगी। विवाह के ठीक है 1 वर्ष बाद तेरा पति मर जाएगा। श्राप देने के बाद इच्छाधारी नागिन अपने वास्तविक रूप में आ गई और पति के मर्त शरीर की परिक्रमा करने लगी। जिस समय राजकुमारी सोनाक्षी वापस लौट रही थी, उसका मन बहुत दुखी था। आज अनजाने में मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। उधर गुप्त रूप से छिपे महाराज के सैनिकों ने भी इस घटना को देखा था। मैं राजकुमारी के साथ घटी इस दुखद घटना की सूचना महाराज को अवश्य देनी चाहिए। हाँ, लेकिन महाराज को बहुत दुख पहुंचेगा। हाँ, मगर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। सैनिकों ने महाराज रणविजय सिंह को इस घटना की सूचना दे दी। ओह, भाग्या ने हमारी बेटी के साथ कितना क्रूर मजाक किया है। महाराज, अगर इस घटना की खबर दशमेश नगर के महाराज जयचंद को लग गई, तो वे अपने पुत्र राजकुमार प्रियवंश का विवाह हमारी राजकुमारी से। चुप हो जाइए मामित्री जी, हमें और दुखी मत करिए। धीरे धीरे यह खबर पूरे पूरे राज्य में फैल गई। काश मेरी उम्र लग जाए उनके पति को। हमारी राजकुमारी जी के साथ कितना बड़ा बड़ा अन्याय हो गया। हमारे सुख दुख का कितना अधिक ख्याल रखती थी बेचारी राजकुमारी जी। राजकुमारी सोनाक्षी ने अपने कक्ष से बाहर निकलना बंद कर दिया। श्याम होते सारा महल उदासी के अंधेरों में डूब जाता था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन दरबार में दशमेश नगर के महाराज जयचंद का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया। महाराज की जय हो। राजदूत, क्या संदेश लाए हो? गुस्ताखी माफ महाराज, संदेश है कि हमारे महाराज ने राजकुमार प्रियवंश का राजकुमारी सोनाक्षी के साथ विवाह से इनकार कर दिया है। राजदूत? अगर दूत का वध राजमर्यादा विरुद्ध न होता, तो हम संदेश को सुनाने वाली तुम्हारी जुबान को खींचकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा देते। दूत, क्षमा करें महाराज, दूत भी अपने स्वामी का संदेश सुनाने के लिए बाध्य होता है। तो जाओ दूत, अपने महाराज को हमारा भी यह संदेश सुना देना कि विजयनगर की राजकुमारी से मंगनी तोड़ने की सजा पूरे राज्य को चुकानी पड़ेगी। हम दशमेश नगर राज्य की ईट से ईट बजा देंगे। अब आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधान सेनापति को तुरंत हाजिर किया जाए। कुछ ही क्षणों में प्रधान सेनापति हाजिर था। क्या आज्ञा महाराज? तुरंत सेना तैयार करके दशमेश नगर पर चढ़ाई कर दो। जयचंद के राज्य की ईट से ईट बजा दो। ठहरिए पिताश्री। सोनाक्षी बेटी, तुम? पिताश्री, आप मेरे दुर्भाग्य की सजा दशमेश नगर की बोली बाजी जनता को क्यों देना चाहते हैं? बेटी, तुम नहीं जानती, राजा जयचंद ने हमारे साथ, मैं जानती हूं उन्होंने क्या किया है। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? अगर राजकुमार प्रियवंश आपका बेटा होता, तो क्या आप उसका विवाह ऐसी लड़की से कर सकते थे जिसका भाग्य अपने पति को सिर्फ 1 साल जिंदा रहने की इजाजत देता हो? बेटी, अगर नहीं तो फिर महाराज जयचंद ने भी कोई अपराध नहीं किया है जो उनके राज्य पर चढ़ाई की जाए। दशमेश नगर पर चढ़ाई का अपना आदेश वापस ले लीजिए पिताश्री। ठीक है बेटी, हम अपना आदेश वापस लेते हैं।
पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई। सुनो सुनो प्रजावासियों, महाराज ने घोषणा की है कि जो भी युवक राजकुमारी सोनाक्षी से विवाह करेगा उसे विजयनगर का दारा सौंप दिया जाएगा। सुनो सुनो प्रजावासी, डम डम डम। एक साल का जीवन देकर कौन मूर्ख राजा बनना चाहेगा। राजकुमारी सोनाक्षी से शादी करने का मतलब है भरी जवानी में मौत। काश मैं जवान होता तो सिर्फ एक साल का राजा बनने के लिए राजकुमारी से विवाह कर लेता। राजकीय घोषणा के बाद भी कोई युवक राजकुमारी सोनाक्षी से विवाह के लिए आगे नहीं आए। महामंत्री, हमें लगता है हमारा अपनी बेटी को डोली में बिठाने का अरमान पूरा न होगा। नहीं महाराज, ऐसी निराशा भरी बातें मत कीजिए। हमारी राजकुमारी के लिए ईश्वर इतना क्रूर नहीं हो सकता। महाराज इसी चिंता में घुलने लगे और बीमार पड़ गए। राजवैद्य जी, पिताश्री जल्दी अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ राजकुमारी, मैंने औषधि दे दी है, महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अपना अंतिम समय आए जानकर उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करके मन्नत मांगी। हे कुल देवता, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं। अपने बेटी हाथ पीले करने का इन बूढ़ी आंखों का सपना पूरा कर दो। उसी रात एक सहायक कमंद के सहारे राजकुमारी के कक्ष की खिड़की की तरफ चढ़ रहा था। खिड़की के रास्ते कक्ष में प्रवेश कर गया। गहरी निंद्रा में डूबी राजकुमारी सोनाक्षी की तरफ दबे कदमों से धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजकुमारी, राजकुमारी, कौन है, कौन है? धीरे बोलो, मैं दशमेश कुमार प्रियवंश हूँ राजकुमारी। अब यहाँ क्या लेने आए हो राजकुमार? ऐसा मत कहो सोनाक्षी, मुझे आज ही मालूम चला है कि पिता महाराज ने यह मंगनी तोड़ दी। तभी तो मैं दशमेश नगर के राज सिंहासन पर ठोकर मारकर हमेशा के लिए महल छोड़कर चला आया हूँ। मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ तुमसे, यह जानते हुए भी कि मुझसे विवाह करने वाले की मैं सब जानता हूं। उसके बाद भी मेरा निर्णय अटल है। तो तुम सच कह रहे हो ना राजकुमार? हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल सच, लेकिन इसके लिए पिताश्री की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। दोनों महाराज रणविजय सिंह के सामने पहुंचे। बेटा, आज हम बहुत खुश हैं, तुमने हमारी बेटी का हाथ थाम कर हमें एक नया जीवन दिया है। बेटे, अब हम बूढ़े हो चले हैं, हम चाहते हैं कि राजपाट भी तुम संभालो और हमें तपस्या करने का अवसर दो। क्षमा करे महाराज, अगर मुझे राजपाट की चाहत होती तो मैं दशमेश नगर के सिंहासन को ठुकरा कर ही आना आता। मैं राजकुमारी के साथ साधारण व्यक्तियों की तरह जीवन यापन करना चाहता हूँ, वरना लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे कि मैंने दशमेश नगर का सिंहासन राजकुमारी सोनाक्षी के लिए नहीं, विजयनगर का सिंहासन पाने के लिए छोड़ा था। बहुत आग्रह के बाद भी जब प्रियवंश नहीं माना तो, राजकुमार प्रियवंश, हम तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। हम भी आगे पश्चात तुम्हें सोनाक्षी के साथ मन चाहे जिंदगी व्यतीत करने की शहर से आज्ञा देते हैं और साथ ही अपनी बेटी सोनाक्षी को शिक्षा देते हैं कि वह अपने पति के साथ हर दुख सुख में कंधा मिलाकर चले। मैं धन्य हो गई जो मुझे प्रियवंश जैसा निस्वार्थ प्यार करने वाला स्वाभिमानी पति मिला। खूब धूमधाम से प्रियवंश और सोनाक्षी का विवाह हो गया। ओम गणपति गणेश स्वाहा। विवाह के पश्चात दोनों राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण व्यक्ति वाली वेशभूषा में आ गए। अच्छा पिताश्री, अब मुझे अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज रणविजय सिंह ने अशुभ भरी आंखों से उन्हें विदा किया। सौभाग्यवती रहो बेटी, आयुष्मान हो वत्स। राजकुमारी प्रियवंश सोनाक्षी को लेकर एक बस्ती के छोटे से मकान में रहने आ गया। सोनाक्षी, अभी यह है हमारा महल, यह तो हमारे महलों से भी सुंदर है। प्रियवंश दिन भर लकड़ियां काटता ठक ठक और शाम को बाजार में बेचा था। ये लो भाई अपनी लकड़ियों के दाम। सोनाक्षी दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। प्रिय, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि महलों में रहने वाली एक राजकुमारी इतना अच्छा भोजन भी बना सकती है। एक चपाती और लीजिए ना। और इसी तरह से खुशी दिन गुजरते रहे। तुम्हें जीवन संगनी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया सोनाक्षी, और आपको पाकर मैं भी। काश हमारा यह साथ और लंबा होता होता तो कितना अच्छा होता। वह याद करते एक वर्ष का समय पूरा होने वाला है। सोनाक्षी के दिल को इतनी ठेस लगी कि वह पूरी रात सो न सकी।
मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। जिसने मेरे लिए अपना घर परिवार महलों के राज से सुख छोड़कर मौत को गले लगा लिया हो, मैं उसका जीवन खत्म नहीं होने दूंगी। अगर अपनी पति भक्ति में नागिन ने मुझे श्राप दिया है, तो मैं भी अपनी पति भक्ति से उसे झूठा कर दूंगी। सुबह होने पर, नाथ आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं आपसे जिस दिन की आज्ञा मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। नाथ आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं आपसे जिस बात की आज्ञा मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। किस बात की आज्ञा? पहले वचन दीजिए। अच्छा चलो दिया। मैं कुछ दिन आपसे दूर रहकर भगवान की तपस्या करना चाहती हूँ। सोनाक्षी है तुम? देखिए आपने मुझे वचन दिया, अब आप इनकार नहीं करेंगे। सोनाक्षी, अगर हमने वचन नहीं दिया होता तो हम सचमुच इनकार कर देते, मगर अपने वचनों की डोर में बंधे होने के कारण हम अनिच्छा पूर्वक तुम्हें इजाजत देने के लिए मजबूर है। सोनाक्षी वन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राकृतिक विपदाएं, आंधी तूफान, वर्षा और भीषण गर्मी भी सोनाक्षी को उसकी तपस्या से नहीं हिला सकी। ओम नमः शिवाय। सोनाक्षी भक्ति और तपस्या से कैलाश पर भोले बाबा का आसन हिल गया है। ये क्या, एक भोली भाली साधारण नारी द्वारा इतनी कठोर तपस्या? प्रभु उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। हे देवी, हमें अपनी इस पुजारी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने दूसरी पुजारी के श्राप का अपमान करना होगा, और अपने किसी भक्त का अपमान हम नहीं कर सकते। तो प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालिए कि इच्छा पूरी हो जाए और आपके दूसरे पुजारी के श्राप का अपमान भी न हो। इसके लिए हमें इच्छाधारी नागिन से प्रार्थना करनी होगी। माँ पार्वती के आश्रय की सीमा न रही, आप इच्छाधारी नागिन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हमसे काम पड़ने पर जिस तरह हमारा भक्त हमसे प्रार्थना करता है, उसी तरह भक्त से काम पड़ने पर हम भी उससे प्रार्थना ही करते हैं। देवी, आओ देवी, अब देर मत करो, आप सचमुच महान है। भोले भंडारी, भगवान शंकर पार्वती के साथ इच्छाधारी नागिन के सामने प्रकट हो गए। भगवान आप, साथ में माँ पार्वती भी, आपके दर्शनों से मेरा जीवन सफल हो गया। हम तुमसे एक प्रार्थना करने आए वासिका, ये आप कैसी बात करें स्वामी? अपने इस पुजारिन को आदेश दीजिए। तुम राजकुमारी सोनाक्षी को क्षमादान देकर अपना श्राप वापस ले लो। उसने जानबूझकर वह अपराध नहीं किया था, और उसके लिए प्रभु और मैं तुम्हारे पास आए हैं, और अब वह मेरी अपराधी नहीं है माँ, बल्कि मैं उसकी ऋणी हो गई हूँ। उसकी वजह से ही मुझे माँ पार्वती सहित अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए। मुझे श्राप वापस लेना तो नहीं आता। हाँ, मैं उसके पति को अपना शेष जीवन देकर स्वर्ग में अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ आज तक अपने श्राप को फलीभूत होते देखने के लिए ही जिंदा थी, क्योंकि आज सोनाक्षी के विवाह को 1 वर्ष पूरा होना था। इसलिए प्रभु, मुझे अपने पति के पास स्वर्ग जाने का वरदान दे दीजिए। तथास्तु, हम तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न है। हम तुम्हें अपने पति के पास स्वर्ग जाने का वरदान देते हैं। इधर प्रियवंश, अचानक मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? दिल की धड़कन रुकने सी लगी है। अगले क्षण प्रियवंश जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। इच्छाधारी नागिनी के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान शंकर के मस्तक में जाकर विलीन हो गई। सोनाक्षी तपस्या में लीन थी। आंखें खोलो देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। महादेव, तुम्हारे पति को जीवन जीवन मिल गया है, और ये हमने नहीं, उसी नागिन ने अपना जीवन दिया है जिसने तुम्हें श्राप दिया था। सदैव उसकी आभारी रहना। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, आपकी लीला भी कोई नहीं जान सकता। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आपको तरह तरह की लीलाएं करनी पड़ती है, जिन्हें भक्त नहीं समझ सकते। जिस समय सोनाक्षी प्रिय घर प्रियवंश के पास पहुंची, सोनाक्षी सोनाक्षी तुम आ गई। सोनाक्षी, हाँ नाथ, मेरी तपस्या सफल हो गई। प्रिय, न जाने मुझे जंगल में क्या हो गया था, सिर चकराने के बाद मेरी धड़कने भी रुक गई थी। फिर इतनी गहरी नींद आई कि मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हूं। सोनाक्षी ने प्रियवंश को सारी बात बता दी। चलो नाथ, अब चलकर पिताश्री को यह खुशखबरी देते हैं, वे बहुत चिंता कर रहे होंगे। चलो
विजयनगर पहुंचने पर महाराज रणविजय सिंह यह जानकर फूले नहीं समाए। बेटे प्रियवंश, अब इस बूढ़े की एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लो। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तुम राज्य की इस राज्य की तुम को तुम संभाल लो, लेकिन अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हमें भी ईश्वर की तपस्या करने का अवसर दे दो बेटे। अब पिताश्री का कहना मान लीजिए ना। अब प्रियवंश एक नहीं दो राज्य संभालने होंगे महाराज रणविजय सिंह जी। दशमेश नगर महाराज जयचंद जी, पिताश्री प्रियवंश के पिता महाराज जयचंद सीधे सोनाक्षी के पास पहुंचे। बहू सोनाक्षी, मैं क्षमा कर दो, तुमने साबित कर दिया कि पतिव्रता स्त्री भाग्य के फैसले भी बदल सकती है। यह हमारे कुल के लिए गौरव की बात है कि तुम हमारी बहू हो। प्रियवंश को अपने अपने राज्यों की बागडोर सौंप कर रणविजय सिंह और जयचंद दोनों साथ साथ तपस्या करने वन में चले गए। प्रियवंश और सोनाक्षी सुख पूर्वक रहने लगे, लेकिन सोनाक्षी हर नाग पंचमी को उस महान इच्छादायी नागिन की पूजा करना नहीं भूलती थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कौम सी पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कौम में।